चैनल सोनी के किचन में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा, जो कि सबको पसंद होता है, बड़ों को भी छोटों को भी। और पिज़्ज़ा रेसिपी के साथ साथ मैं आज आपको पिज़्ज़ा का बेस घर पे कैसे बनाते हैं ये भी बताऊंगी। तो दोस्तों, पिज़्ज़ा क्या बेस बनाने के लिए सबसे पहले हम बेस बनाएंगे। तो बेस बनाने के लिए मैंने 2 कप आटा ले लिया है, और इसमें मैं डालूंगी आधा चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें डालूंगी। और तो मैं पहले सबसे पहले इन सारी चीज़ों को इसमें मिक्स कर दूंगी। तो ये सारी चीज़ें, ये गेहूं का आटा ही आपको लेना है, और इन सारी चीज़ों को एक साथ आप मिक्स कर लें। जितना आपको बनाना है उतना आटा आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से इसमें मिक्स कर देनी है हमें। मिक्स हो चुका है, अब मैंने लिया 1 गिलास पानी, नॉर्मल पानी लें। तो इसको मैं सारा, जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, सेम वैसी मैं इसको गूंथ दूंगी। तो देख सकते हैं मैंने आटा मेरा बिल्कुल मैंने गूंथ के रेडी कर दिया है। चम्मच इसमें घी इसके ऊपर लगा लें ताकि ये नरम रहे। तो इसके बाद मैं 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देती हूँ, उसके बाद बनाएंगे पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए दोस्तों आटा तो मेरा तैयार है, और ये मैंने सब्जियाँ काटी हुई, शिमला मिर्च लिया हुआ है, थोड़ा छोटा ही इसको आप कट करें, और प्याज लिया हुआ है, प्याज भी मैंने छोटे क्यूब में कट करा हुआ है, और ये पनीर लिया हुआ है, पनीर को भी छोटे छोटे क्यूब में छोटे छोटे कट कर लिए हैं। और ये जो हमारा आटा था उसका थोड़ा सा रोटी से थोड़ा सा बड़ा सा हमें इसका लोई लेना है, और इस जितना बड़ा आप साइज रखना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है, ज़्यादा पतला ना बेलें इसको। और जो इसके साइड हैं इनको हल्का सा हमें प्रेस कर देना है, हल्का प्रेस कर दें। और हमें फिर क्या करना है, ये वाला जो चम्मच है इससे ये सारे हमें इस पे, आपको आई होप दिख रहा होगा, साफ तरीके से आप करेंगे। एक बार आपको जूम करके दिखा दूंगी मैं। तो ये देखिए इस तरीके से करना है, नीचे की साइड करना है हमें। इसी तरीके से मैं दूसरी लोई के लिए रख दूंगी। तो देख सकते हैं इस तरीके से नीचे से जब तक सिक रहे हैं, हल्के से किनारे पे आप इसका ऑयल लगा दें, बिल्कुल हल्का ऑयल हमें इसके किनारों पे लगाना है। हमारे ये सीख चुका है बढ़िया से, देख सकते हैं। अब मैं इसका सॉस है पूरे से अच्छी तरीके से आप लगा लें, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से लगाएं इसको इस तरीके से। उसके बाद मैं हल्का जो ये चीज मैंने में रखा हुआ था, तो हल्का चीज मैंने ऐड कर लिया है। अब मैं हल्का इसमें प्याज जो है, प्याज के जो क्यूब कटे हुए थे ये सारे ऐड कर लूंगी, और जो मैंने शिमला मिर्च हल्के रखे हुए थे। दोबारा मैं इसको इसमें सेकने के लिए रख दूंगी। ये देख सकते हैं, आपको जूम करके दिखा देते हैं इस तरीके से। और इसके ऊपर हम ये डालेंगे, हमें अगर आपका टेस्ट के लिए आप हल्का इसमें नमक वगैरह ऐड कर लें, ज़्यादा ना डालें क्योंकि ऑलरेडी हमने बेस पे डाला हुआ है। और ये काली मिर्ची है, और थोड़ा सा ये लाल मिर्च देर पकने के लिए छोड़ दूंगी,
जब वो वाला रेडी हो रहा है पक के, हल्की आँच में मैंने उसको रख दिया है, ढक्कन लगा के थोड़ी देर में हो जाएगा, तब तक मैं इसका भी बेस बना लेती हूँ। देखिए सारा रेडी कर दिया है मैंने, काली मिर्च, थोड़ा सा चीज़ मैं ऊपर से भी डाल दूंगी इसमें। कितने अच्छे से बनके ये रेडी होगा आप खुद देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने इसको रख दिया है। आप चाहें तो अपना गैस थोड़ी देर आप बंद कर सकते हैं और हल्का ऑयल इसमें ज़रूर लगाएं आप किनारे पे। ज़्यादा ऑयल इसमें हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा किनारे पे हमें ज़रूर इसको ऑयल से सेकना है। थोड़ी देर मैं इसको ढक्कन लगा के रख देती हूँ। तो देख सकते हैं ये भी हमारा रेडी हो चुका है, पके हो चुका है सारा। तो देख सकते हैं ये भी बन के रेडी हो गया है हमारा पिज्जा। तो इसको भी मैं कट कर लूँगी और ये मैंने दूसरा रख दिया है, इसको मैं ढक्कन लगा के रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए।